हमार वेन स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। नमस्कार, अपना पंचे देख रहे हैं विराट के बखेली बुलेटिन पूजा के साथ। खबर मनगवा थाना क्षेत्र से रही, जहां कुछ दिन पहले मलकपुर तालाब माही कुछ समुदाय के लोग एक दूसरे के ऊपर प्राणघातक हमला कर दिए रहे। एक शिकायत पुलिस से करे के बाद पुलिस मामला दर्ज कर लिए रही। वहां अब ये मामला माही वह समाज रैली काट के रीवा के SP कार्यालय माही ज्ञापन दही नहीं बै कुछ। गुप्ता अपने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व पार्षद हैं। इनकी जमीन वहां पर है मनगांव बस्ती रोड पे। ये अपनी गिट्टी गिरा रहे थे और वहां के अपराधियों लोगों ने इनके साथ जानलेवा हमला किया, जिसकी व्हाट्सएप फेसबुक में ग्रुप में चल रही। इस तरह से उन्होंने पूरी प्लानिंग करके मारने की कि हत्या हो सकती थी और काफ़ी गंभीर चोटें आई। इनके 3 पुत्रों को भी चोटें आई हैं। वही हम लोग वैश्य सम्मेलन की तरफ से माननीय SP ऑफिस को ज्ञापन दिए, SP साहब को, कि इसमें उचित कार्रवाई है। वो लोग ऐसे अपराधी हैं जो लगातार कई वर्षों से अपराध कर रहे हैं। 3 आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार भी कर लिया है, क्योंकि दूसरे पक्ष को भी इसमें चोट लगी है। इस संबंधी पुलिस तस्दीक कर रही है। मौके पर कलेक्टर साहब, SP साहब भी गए थे, साथ ही वहाँ पर एडिशनल SP महुगन, SD महुगन और वरिष्ठ अधिकारी वहाँ से मौजूद थे। राजस्व विभाग के तहसीलदार उनका अपना मौजूद था। सारे लोगों के द्वारा वैधानिक कार्रवाई वहाँ कर दी गई है। शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई वहाँ की जा रही है। मामला शांत है पूरी तरह से। इसमें आज जो गुप्ता परिवार के लोग थे, वो कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर, वो धारा इजाफा को लेकर यहाँ ज्ञापन दे रहे थे। और उनका कहना था कि सामने वाला अपराधी व्यक्ति का, तो उनका रिकॉर्ड देखते उनके विरुद्ध और जो धाराएं बनती उनके खिलाफ में उसमें कार्रवाई की जाएगी। रीवा माही समाज सेवी ज्ञानेंद्र गौतम पत्रकार वार्ता के आयोजन करीन और फर्जीवाड़ा के खुलासा करीन। साथ ही कहीन के रिटायर्ड शिक्षक बुद्धसेन पटेल जो उनके दुगवा के रहने वाले आई, उ शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मऊगंज माही शिक्षक के पद में रहे हैं, जहां से रिटायर होने के बाद अपन पेंशन ले रहे हैं। उनके साथ साथ वो दूसरा अवैध तरीका से पेंशन ले रहे हैं। समाज सेवी कहिन के कार्रवाई अगर मामला मना की जाये तो वो CM से मिली और अगर जरूरत पड़ी तो वो कोर्ट घलाई जाये। शिकायत मेरी की बुद्धसेन पटेल सेवानिवृत्त शिक्षक दुगमा कुरुयान मऊगंज का रहने वाला है, जो शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मऊगंज से रिटायर हुए। वो दोहरी पेंशन ले रहे हैं और कई फर्जीवाड़े किए उन्होंने। पहला फर्जीवाड़ा उन्होंने किया कि पहली पत्नी का नाम अपने उस सर्विस बुक में छुपाया, उससे उत्पन्न एक लड़की हुई उसका भी नाम उन्होंने सर्विस बुक में नहीं दर्ज कराया। फिर उन्होंने दूसरी पत्नी से शादी किया, उसके जो भी औलाद है उनका सबका सर्विस बुक में रिकॉर्ड कराया। फिर तीसरी एक उन्होंने जो महत्वपूर्ण फर्जीवाड़ा उन्होंने किया कि एक रमा देवी करके शिक्षिका थी, वो खत्म हो जाती तो उसकी भी पेंशन बुद्धसेन पटेल रिटायर्ड शिक्षक दुगमा मऊगंज ले रहे हैं। हाँ, ये मामला मेरे संज्ञान में अभी आया है। ये बुद्धसेन पटेल नाम का कोई शिक्षक बालक बहुगंज में कार्यरत था, जो रिटायर हो चुका है, और उसके ऊपर ये आरोप लगाया गया है कि वो अपनी अवैध पत्नी का पेंशन ले रहा है। तो ये मामला मेरे संज्ञान में भी आया है। अब मैं इसकी जांच कराता हूँ और देखता हूँ क्या वास्तविकता क्या है। बुलेटिन की अगली खबर सतना से है, जहाँ के कोतवाली थाना क्षेत्र के धवारी चौक माही पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के मूर्ति का कुछ उपद्रवी तोड़ फोड़ दिन। अपना बता दी के मामला माही एक वीडियो वायरल भा है, जो ने माही उपद्रवी मूर्ति के साथ तोड़ फोड़ कर दिखाता हम। वहाँ वीडियो का संज्ञान में लिए के बाद वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री प्रदेश उपाध्यक्ष कविता पांडे रीवा IG वेंकटेश्वर राव से मिली और अपराधिक तत्वन का पकड़ के कड़ी से कड़ी सजा दे के मांग करी। नहीं बे, बड़े दुख के साथ मुझे बताना पड़ रहा है कि सतना के धवारी चौराहा में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे और लगातार जेल में रहे थे, उनकी मूर्ति को कुछ भारतीय जनता पार्टी के पोषित झंडा लेकर, भगवा झंडा लेकर और तोड़ रहे थे और तोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए और पुलिस ने उनको पकड़ के उनके ऊपर मुकदमा लगाया है। मैं IG साहब से मिलने आई हूं और मैंने कहा कि ऐसे लफंगे जो इस तरीके का देशद्रोही काम करते हैं उनको फांसी की सजा दी जाए और फांसी से कम किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। खबर सतना से रही, जहाँ के JP सीमेंट और अल्ट्राटेक सीमेंट में खदान में लगातार अवैध तरीका से विस्फोट कराई की घटना हो रही है। एक बाद शासन प्रशासन विस्फोट में रोक नहीं लगा पाए रहा है। अपने बताई दे कि इस समय लड़ाई झगड़ा की स्थिति बन गए, जब बस्ती माही विस्फोट की इंजार रहा
और विस्फोटक लोड करे बीच बस्ती में गाड़ी खड़ी रही। ओखा देखता है वहाँ के आसपास के लोगन के पारा चढ़ेगा और विरोध करब शुरू कर दी। गाँव में घुसोड़े का मैं किसी का नुकसान नहीं करना चाहता। आप उस रोड से ले जाके ब्लास्ट करवाओ, ये गाड़ी नहीं जाएगी। बस बात खत्म। तुम्हें बोल दिया था ना, तुमने गाली गलौज करने लग गए। तुमने गाली गलौज मत करना। काम रोक रहे हैं, जल्द पाड़े उसे पंचायत कर रहा था कि हमारा टंकी फूट गई। हेलो, यहाँ आप हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। हम कभी किसी के पीछे नहीं भागे हैं कि किसी का नुकसान हो। गाड़ी खड़ी कर सकते? अरे तो काहे खड़ी कर रहे हैं, घर के पास में नहीं खड़ी कर सकते। डिस्क्लोजिव गाड़ी हम बस्ती में क्यों खड़ा करके रखते हैं? नहीं करेंगे, ठीक है। आप खुश हैं? आप खुश नहीं करेंगे इसको खड़ी यहाँ? बस अभी आप नहीं हटाओगे, पुलिस आ रही है, तहसीलदार हाँ, ये एक्सप्लोसिव बैन कहीं काहे का यहाँ लगे है? अरे यहाँ ब्लास्टिंग पहाड़े जी के घाट थे, तब से आए खड़ी कर दिया ना। अब विजय चल गई, लपटा ना, दूरी खड़े हो। दूरी खरीद कहाँ? दूरी खड़े हो तुम? अपना ये बताई तो ये घर के पास में ये चलता फिरता बम काहे लगे है तुम? हाँ, हो गया, ये कह दे कि चले जा। नहीं तो घर के पास में तुम को कही सी? हाँ, कही तो कौन कंपनी के अधिकारी कही? कौन कंपनी की आई है गाड़ी? ये क्या खड़ी गाड़ी? कंपनी की आए, जेपी कंपनी की। हाँ, तो जेपी कंपनी कही सी की यहाँ घर के पास में बम लगा के उड़ा दे? अपना पंचायत हर गांव को लटकन के हर काम में लगी। तो नहीं, ये तुम्हारा वीडियो बन रहा है, ये कलेक्टर के पास में। हाँ, बात खत्म। ये कलेक्टर के पास में आई जाई, या तुम चलता फिरता बम घर के पास में आई, काहे का लग रहा है? खड़ा कह दें गुरु बाबा, हम चले जाए थे। बस अपना बताई, साथ में पढ़ा वाले आदमी हो क्यों? पहले जवाब दे, हम खड़ा कह के तो पानी पिया लागत, दो मिनट हो गया हम चले। घर के पास में तुम खड़ा कहे एक घंटा से ही? एक घंटा नहीं है गुरु बाबा, झूठ ना बोल। एक घंटा से हम देख रहे हैं, एक घंटा से नहीं है गुरु बाबा। अबे हम आई लागत, गुरु बाबा। आज के बुलेटिन में इतने, बघेली में खबर खातिर देखा 3 अरविंद के बघेली समाचार। नमस्कार।